थाना नूरपुर पुलिस ने उप जिलाधिकारी चांदपुर मनोज कुमार के आदेश पर तीन डंपरों को किया सीज। इस कार्यवाही से खनन माफियाओं में मचा हड़कंप। दरअसल आपको बता दें, जनपद बिजनौर के थाना नूरपुर क्षेत्र में खनन माफिया मिट्टी के अवैध खनन के कार्य को डंपरों द्वारा अंजाम दे रहे थे। सूचना पर उप जिलाधिकारी चांदपुर मनोज कुमार द्वारा संयुक्त टीम द्वारा नूरपुर थाना क्षेत्र में खनन कर रहे तीन डंपरों को कब्जे में लिया गया और मामले में जांच पड़ताल में नियमों का उल्लंघन करने पर खनन कर रहे डंपरों पर कार्यवाही की गई है। उप जिलाधिकारी चांदपुर मनोज कुमार ने बताया। सर, थाना नूरपुर क्षेत्र में खनन पर कार्रवाई की गई है, क्या पूरा मामला है और किस कमी की वजह से उन पर कार्रवाई? कल मेरे पास एक सूचना आई थी कि बिना परमिशन के और वो कुछ डंपर्स चल रहे हैं। हमने तत्काल थानाध्यक्ष नूरपुर और अपने राजस्व टीम को रवाना किया। उनको गाड़ियों को रोका गया, कागज मांगे गए। उस कागज में 28 दिसंबर तक परमिशन की बात लिखी हुई है, लेकिन जब मौके पे जांच कराई गई तो जो लिमिट है अनुमन्य लिमिट से अधिक का खनन किया गया है। तो तत्काल उन गाड़ियों को थाना नूरपुर में खड़ा करवा के और कल इसकी कार्यालय अवधि में रिपोर्ट भेज दी जाएगी जिले पे कार्रवाई के लिए। सर, जैसा कि देखने को मिल रहा है, गरीब व्यक्ति अपना मकान बनाता है, उसका जो है भरान नहीं किया जाता और कॉलोनियों को पाटने का काम तेजी के साथ किया जा रहा है, इस पर क्या कारण? नहीं, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है, अगर आप किसानों के निजी प्रयोग के लिए आधार कार्ड ले जाइए, खतौनी ले जाइए और कहीं से भी ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे, 15 मिनट के अंदर अंदर आपको परमिशन मिल जाएगी। बहुत ही सुंदर और सरल है। जहां तक कॉलोनियों पे करने की बात आप कर रहे हैं, जो भी शिकायतें संज्ञान में आती है किसी भी रूप में, तो उसमें हम जांच कराते हैं और जांच कराते हुए विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट।